लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम इसकी बात कर रहे हो ना, अबू की? हाँ, यही था। ये अभिजीत है, तारा का भाई है। आई श्योर, क्योंकि मैंने जिस सिचुएशन में उनको देखा था वो भाई बहन वाली फीलिंग आने दी थी। मैं तारा को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे कभी चीट नहीं करी। यू कैन टेक द कॉल। या हेलो। क्या विक्की, फोन तो उठाओ, कब से आई एम कॉलिंग यू। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो, आवाज नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए शायद ऐसा लगा। व्हाटएवर यू से, मैं कोई होता नहीं हूँ, बट आई जस्ट सेड इट सो दैट यू आर मोर केयरफुल। एक्चुअली पलक को फ़ोन कर देना चाहिए, वो तो तुम्हारी मॉम के पास गई है, उन्हें यही बताने हैं। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। Let me call her. बस आप देखते जाओ, अगले 48 घंटे में मैंने आपके बेटे और तारा की शादी की तैयारी ऐसी ना करी कि पूरा 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 दिल्ली देखता रह जाएगा। हाँ जी हाँ, मैंने विक्रांत को गेस्ट लिस्ट दे दी है, इनफैक्ट वो आपके असिस्टेंट के साथ ही होगा इस वक्त। तो पलक, अगले दो दिन तुम्हें भी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम शादी की तैयारी में मदद कर लेना, है ना? आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए तो घर की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल घर जैसा ही है जी, बिल्कुल मदद करेगी पलक, बॉस की शादी है, हेल्प तो करेगी, है ना? गीता जी ने तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये शादी मॉम प्लान ना करे। आई डोंट वॉन्ट गीता टू मीट रित्विक। सॉरी यार, तुझे लग रहा होगा कि मैं बहुत इंट्रूसिव हो रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि आई नो समथिंग आई शुड शेयर इट विद यू, दैट वाज ऑल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली यार, तुम मेरे लिए कंसर्न थे इसलिए तुमने मुझे बताया। थैंक्स मैन, थोड़ा स्पाइसी कम है, डालता हूँ। तुम्हें स्पाइसी पसंद है? आई लव स्पाइसी। और एक्चुअली अगर देखेंगे तो हम दोनों में और भी कुछ कॉमन है। Really? क्या? तुम्हारी तरह मेरी भी बहुत सी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। Really? That's lovely. चल इसी बात पे कुछ चिकन खिलाता हूँ, अच्छा था। मेरी बेर उठा ले। चलो। और अगर हम इसी तरह से टाइम स्पेंड करते रहे ना ब्रो, बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें निकल जाएंगी हम दोनों के बीच में, आई एम प्रिटी श्योर। कॉमन चीजों से मुझे याद आया, इस घर में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कभी मत कर। मेरी बीवी है ना जो मारती सुइयां वुइयां लेके मारती है, अब मैं एक पत्नी व्रता हस्बैंड बन गई, तुझे भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। टेक माई एडवाइस। वैसे मेरे लिए कोई टिप्स? तुम न्यूली मैरिड हो तो एक्सपीरियंस है तुम्हें, शादी मत कर। एक्चुअली प्यार है तो शादी कर ले, मदर इन लॉ है हाँ, मरवा दे। बोल रहा हूँ मरवा दे, बहुत से आप होते हैं, खत्म कर खत्म कर। क्या एक काम करता हूँ, पलक को बता देता हूँ कि तुम ऐसा कह रहे हो। ओए चमचा मत बन, ये चिकन मैंने बनाया है, खिला भी मैं ही रहा हूँ स्पाइसी। चमचा बड़ा, तुम दोनों में से ना पलक ही मेरी फेवरेट, आफ्टर ऑल मेरी एम्प्लॉय है वो। पलक, थोड़ा लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी बुराइयां कर रहा था। हाय पलक। हाय। मुझे ऋत्विक की हेल्प चाहिए थी अपने वेडिंग वाउज लिखने के लिए, और हमें एक कार्ड भी लेने। ओके। मैडम चिकन बना दिया मैंने, दो दिन चलेगा, स्पाइसी है। बाय द वे, ही आल्सो लाइक स्पाइसी। बहुत अच्छा है। चलें फिर। कहाँ जा रहे हो? कार्ड लेने जाना, अभी तो बताया। अरे तुम इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ये काम तो वेडिंग प्लानर का होता है ना। विक्रांत की शादी में वेडिंग प्लानर मंजीत जी हैं, उनका चीफ असिस्टेंट कौन है? हुआ तो ऑब्वियसली मैं ही करूँगा ना, वैसे भी सुबह से घर पे बैठा हूँ, पक गया हूँ, जाने दो चल। अरे यू नो व्हाट, कार्ड छपे ही नहीं है अभी तक। मैंने चेक किया था, एक बैच रेडी है और
जितने इम्पोर्टेंट लोगों को इनवाइट करना है स्पेशली उनके लिए तैयार हो चुका है। चले एक्चुअली ना आप दोनों यहीं बैठ के काम करो, जो भी शादी का काम है आप यहीं खत्म कर लो, मैं चाहती हूँ मैं ये सब काम कर लेती हूँ। जब भी मैं इस पर्टिकुलर शादी की किसी भी चीज में मदद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे साइडलाइन करने की कोशिश करती हो। What is happening? क्या हुआ? तुम नहीं चाहती कि मैं शादी में हेल्प करूं? नहीं, मैं क्यों तुम्हें साइडलाइन करूंगी? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो नहीं चाहती कि बस तुम स्ट्रेस लो और कुछ नहीं करो। अगर तुम तारा को लेके वरिड हो, हमारी बात क्लियर हो गई है। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज फाइन। मतलब ऐसा कुछ है जो तुम हमें बताना चाहती हो? नहीं, मतलब है तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो ऋत्विक अपना नया वेंचर स्टार्ट करने वाला है ना, तो मैं बस उसी के लिए स्ट्रेस हूँ कि वो ना थक जाए, यू नो। कर लूँगा, नया बिजनेस था, बहुत टाइम है मेरे पास। अभी फिलहाल लेट मी बी योर मदर्स असिस्टेंट, ओके? भाई इससे पहले कोई और बहाना बना ले, चलते हैं। सुन, आज बैक सुन, टाइकोंडो का नेक्स्ट लेसन चाहिए। सेतु, मुझे तुझसे मिलना है अभी, अर्जेंट है। बच गए आज। मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारी फोटोज किसने खींची। छोड़ो ना, वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, सबको यकीन हो गया है कि हम लोग भाई बहन हैं। लेट्स गो। क्या चाहिए तुम्हें? व्हाट द हेल इज इट दैट यू वांट? मनी? हियर, नाउ मेक श्योर कि तुम्हारा भाई कंट्री छोड़ के चला जाए, शादी में नजर नहीं आना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? ये देख, किसी एंगल से भाई बहन नहीं लग रहे हैं। आई नो, ऐसे कौन से भाई बहन मिलते हैं? आई नो यार, आई मीन रोहित और अनन्या को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो भाई बहन है। वहां तो कुछ झोल है भाई, फॉर श्योर। दिस इज अ रियली ऑड ब्रदर सिस्टर इक्वेशन। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या ऋतिक और विक्रांत साथ में है, बताइए दोनों क्या कर रहे होंगे। गीता जी अगर ऋतिक के सामने आ गई तो? यार मुझे नहीं लगता कि गीता जी इतनी जल्दी ऋतिक के सामने आएंगी। डेफिनेटली उनके मन में कोई प्लान चल रहा है। आना होता तो कभी भी आ जाती ना, दे वुड हैव कम अर्लियर। तुम दोनों को मैंने इसलिए हायर किया है ये शादी सच्ची लगे। तुम्हें विक्रांत की दुल्हन बनने का नाटक करना है, इसलिए जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता तुम कुछ और नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? यस मैम। आगे से केयरफुल रहोगे? यार पलक, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि तेरी मम्मा जो शादी अरेंज कर रही है वो गीता जी की बेटी की है, और ऋतिक को अगर पता चल गया ना कि तुझे पता है कि गीता जी उसी की मॉम है, तो बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा यार, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यार मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है, मेरा और ऋतिक का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई एम श्योर जब उसे पता लगेगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है, ताकि वो दोनों सामने ना आए, आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। मुझे सिर्फ ये जानना है कि गीता जी सब कुछ क्यों कर रही है, वो क्यों ऋतिक की लाइफ में वापस आई है। आई हैव टू नो। ऋतिक के हाथ देखिए, नाइटमेयर्स की वजह से इतना परेशान हो जाता है, अगर उसके सामने आ गई ना। आई कांट लेट दैट हैपन। आई नो। क्रांत का मेल है? क्या ईमेल? वेडिंग वाउज। आई एम श्योर ऋतिक ने हेल्प किया। ओह माय गॉड, ऋतिक ने हेल्प की है तो डेफिनेटली तेरे लिए होंगे। पढ़ना क्या लिखा है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। I'll take your love to give me hope, give me joy, and make me a better man. I promise to listen, to hear, and to always consider your feelings. Oh, wow. And thoughts as we travel together on this journey. I vow to love, honor, and cherish you, forsaking all others, as a faithful husband, as long as we both shall live. Oh my God. I love you. क्या हुआ? तेरा नाम लिखा है क्या? मेरा नाम क्यों लिखा होगा? नव्या लिखा है। नव्या? नव्या कौन है? उस नव्या? नव्या, नव्या स्वीटहार्ट, I just need you to understand, सिर्फ कुछ दिन के लिए तुम्हें साइलेंट मोड पे जाना होगा। आई नो विक्रांत और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट
विक्रांत मेरे लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कर रहा है. एंड स्वीटहार्ट, आई कांट टेल यू व्हाट दैट इज, बट प्लीज ट्रस्ट दैट इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और किसी को पता नहीं चल सकता कि तुम विक्रांत की गर्लफ्रेंड हो. आई नो तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारा रिलेशन अभी ठीक नहीं है, बट मुझे नून्स को वेडिंग कार्ड देना पड़ेगा. हमारे डैड मेरे क्लाइंट हैं और वो डील अभी भी डिसॉल्व नहीं हुई. सो इट्स फाइन, यू कैन वेट इन द कार, मैं उन्हें दे आऊँगा. एक्चुअली नहीं, मैं भी चलता हूँ उन्हें इन्वाइट कर. पर आई हैव अ रीजन. कुशल बता सकता हूँ. ओके. मैं बात नहीं कर सकती, पूरी फैमिली यहाँ बैठी है. मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ. हाँ ठीक है तारी, जो भी है कीप मी इन्फॉर्म्ड. आ गया वो. ठीक है, बाय बाय. रिकी, रिकी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बेटा. मेरा बच्चा अभी तो आया है, तो मेरे हाथ से खाना. चल फिर कभी दादी, अभी लेट हो जाएंगे. हमारे साथ कोई गेस्ट भी है, मिलवाओगे नहीं? सॉरी. ये विक्रांत रहे जाए, इन्हीं की शादी है. मैं मंजीत जी के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. मैं हमारी कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को खुद इन्वाइट कर रहा हूँ. सो थैंक यू. सो ब्यूटीफुल. वेलकम होम विक्रांत. तुम मंजीत जी के असिस्टेंट के साथ यहाँ आए हो? जी, मंजीत जी के सिस्टर. बाय द वे, आपकी फेवरेट शैंपेन होगी वहाँ पर. तो खाने में क्या है? आई होप तुम कुक नहीं कर रहे हो. अनफॉर्चुनेटली नहीं. वैसे इस काम के लिए तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें कितने पैसे दे रही? घर तो चल जाएगा ना तुम्हारा? शायद आप भूल गए कि मैं ये घर छोड़ चुका हूँ. कुछ चीज़ें बिना पैसों की भी की जाती हैं. प्राश्चित बोलते हैं उसको. मैंने अपनी मॉम के काफ़ी काम खराब किए थे, शादियाँ तोड़ी. This is like atonement for me. You won't understand. तो यहाँ पर सिर्फ कार्ड देने नहीं आया. काश साहब बता कि तेरा इरादा क्या है? इरादा हमेशा से पलक की रहा, पर अब भी पलक ही है. जिस विक्रांत के साथ आप पलक का नाम जोड़ रहे थे वो यही है, जिसकी एक स्टडी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ वो शादी कर रहा है. हर इंसान गीता माँ की तरह नहीं होता है. कुछ लोग लॉयल भी होते. ये बात मैं समझ चुका, प्लीज आप भी समझ जाए. आप सब शादी में जरूर आइए. विजय शादी में खुद ही ऋत्विक की बेइज्जती कर देगा. बस एक बार वो ऋत्विक को तोड़ दे, फिर मैं उसे समेटूंगी. अरे हाँ भाई, हम पहुंच गए और ड्यूटी पर भी चढ़ गए. फूल से क्या खेल रही है? इंपॉर्टेंट काम करने आए हूँ. जैसे भी वो डिस्ट्रैक्ट होगा ना, वी हैव टू गो इन. अरे यार, पिछले 15 मिनट से हम यहीं पे वेट कर रहे हैं. वो फोन से हट ही नहीं रहा है. और अगर पकड़े गए ना तो तू देख लेना. ये बैक गेट है, यहाँ से लोग बहुत कम आते जाते हैं. और यही रास्ता है हमारे पास. हमने विक्रांत का ऑफिस भी चेक कर लिया, वहाँ कुछ भी नहीं मिला. अब हमें घर में ही चेक करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा. विक्रांत और गीता जी भी घर पे नहीं है, हमारे पास यही मौका है. चल.
यार लैपटॉप तो वो कहीं भी रख सकता है ना, अपने स्टडी में, अपने ऑफिस में, किचन में, बाथरूम में, आई मीन इट्स जस्ट स्मॉल थिंग। उसकी स्टडी में चेक करते हैं। मुझे लगता है ऋषभ हमारे काफी काम आ सकता है। अब वो तारा का क्या? मैनेज हो गया, बस और दो दिन फिर तो विजय शादी में खुद ही ऋत्विक की बेइज्जती कर देगा। ये जो तू देख के आ रहा है उसके घर पे, सिर्फ एक झलक है। देखा ना विजय के मन में कितनी कड़वाहट है। बस एक बार वो ऋत्विक को तोड़ दे फिर मैं उसे समेटूंगी। यही एक तरीका है। चल खाना खाते। हाँ मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, दो मिनट। अच्छा ठीक है, सुधर आफ्टर सेंड एन ईमेल, मैं भी वो भेज के आती हूँ। हाँ डैड, कभी आपने ये सोचा है कि रहेजा रिकी की इतनी मदद क्यों कर रहे? पहले पलक को जॉब देना, फिर उसकी प्रमोशन, फिर हमसे पंगा लेना, अभी मंजीत को ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट देना। कभी आपने ये सोचा है कि रहेजा रिकी की इतनी मदद क्यों कर? पहले पलक को जॉब देना, फिर उसकी प्रमोशन, फिर हमसे पंगा लेना, अभी मंजीत को ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट देना। मंजीत अपनी बेटी का इस्तेमाल करते हैं। पहले उसे रीवा की शादी मिली, फिर रोहित जिसमें माँ बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया, और अब पलक के जॉब का इस्तेमाल करके उन्हें विक्रांत की शादी का कॉन्ट्रैक्ट हटाया होगा। That something is definitely wrong here. हम नून से कोई ऐसा पंगा नहीं लेता, और ये लोग तो हमसे डरते नहीं हैं डैड। डैड मेरे ख्याल से ना हमें ये रहेजास को रोकना होगा रिकी की मदद करने के लिए। I do something there. और जब ऋतिक को सच का पता चलेगा आपके साथ इतना गलत हुआ है तो हमेशा के लिए अपने पापा का साथ छोड़ देगा। यही तो मैं चाहती हूँ, ये राज भी ऋतिक को जल्द पता चल जाएगा। वैसे मॉम ऋतिक अच्छा इंसान, लाइक द एल्डर ब्रदर आई मिस। हेलो ऋषभ बोल रहा हूँ। ऋषभ नून, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे घर आ जाऊँ? ऋषभ नून आप मुझसे मिलना चाहते हैं अभी? Sure. आप आधे घंटे में घर पे आ जाइए। Sounds great. I'll see you. Thank you. Good. So, ध्यान से हैंडल कर लो। पर मॉम उसे यहाँ बुलाकर हम कोई रिस्क तो नहीं लेते? मैं उसके सामने नहीं आऊँ, उसे स्टडी में मिल लेना। ओके मॉम, मैं चलता हूँ। अरे ये तेरा wedding vows. मैं सोच रही थी कि तुम अपने डैड के पास वापस चले जाओ। तुम्हें छोड़ो? वैसे मुझे छोड़ के नहीं, बस अपने डैड के साथ रहने चले जाओ। तुम उसे रहोगे,
बात करोगे, जब उनका मूड सही होगा तो उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो कि दूरी ना और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें।